ईरान इसराइल पर कब हमला करेगा, ये सवाल अब पुराना हो चुका है। हमला करेगा भी या नहीं, इस पर अब लाखों सवाल उठने लगे हैं। पर इसराइल पर हमले का सीधा सा मतलब यही है कि अमेरिका पर हमला, यानी आप अगर इसराइल पर हमला करेंगे तो आपको अमेरिका से वार झेलनी पड़ेगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से हिजबुल्ला और हूती इराकी मिलिशिया, ये तमाम ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है, उसी तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉक्सी अगर कोई है तो उसका नाम है इसराइल। मतलब जो काम अमेरिका पर्दे के पीछे रहकर अंजाम देना चाहता है उसे इसराइल के जरिए बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकता है। ठीक उसी तरह से ईरान भी किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हिजबुल्ला, हूती और इराक की रेजिडेंस के जरिए अंजाम दे देता है। लेकिन कई बार दो देशों के बीच की आपसी रंजिश सामने नहीं आ पाती, पर इस बार ईरान ने अपने एक खुफिया राज से पर्दा हटा दिया है, एक पोशीदा राज से पर्दा हटा दिया है और बताया है कि उसने किस तरह से इसराइल की चूड़ी टाइट करके अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ईरान का कहना है कि जब उसने इसराइल के 12 जहाज़ों पर हमला किया और एक के बाद एक जहाज़ों को जब्त करना शुरू किया तो अमेरिका के पसीने छूटने लगे, और जब 5वां जहाज़ ईरान ने पकड़ लिया तो दुश्मन ने अपने हाथ खड़े कर लिए और फिर सरेंडर बोल दिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर का दौरा करने के लिए गए थे, तभी IRGC का कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद इसराइल और अमेरिका की उस नाकामी से पर्दा हट गया। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के 12 जहाजों पर हमला किया, बकायदा कई जहाजों को उसने अपने कब्जे में भी ले लिया, जिसके बाद अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और इसराइल को सरेंडर करना पड़ा। इस बारे में भले ही दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन IRGC का कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने इस घटना के बारे में बताते हुए बहुत से राज को बेपर्दा कर दिया जिसे अब तक ईरान ने छुपा रखा था। हुसैन सलामी ने कहा कि इसराइल ने हमारे तेल निर्यात को रोकने के लिए भूमध्य सागर और लाल सागर में हमारे 14 जहाज़ों पर हमले किए, निशाना बनाया। जब इस तरह की वारदात सामने आने लगी तो हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है और ऐसा करने वाले कौन लोग हैं। शुरुआत में हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल सका कि कौन है जो हमारे जहाज़ों को निशाना बना रहा है, लेकिन जब हमें खुफिया रिपोर्ट हाथ लगी तब पता चला कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है। यानी सोचिए अमेरिका कैसे कैसे इसराइल को अपने टूल्स की तरह यूज़ करता है, या फिर यूँ कहा जाए, साफ तौर पर कहा जाए तो इसराइल ही अमेरिका का प्रॉक्सी मिलिशिया है। हुसैन सलामी ने अपने एक संबोधन में इसराइल, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ ईरानियन नेवी यानी ईरान की नौसेना के उस संघर्ष का जिक्र किया जो बहुत ही पोशीदा था। उन्होंने दावा किया कि भूमध्य सागर और लाल सागर में ईरानी जहाज़ों के खिलाफ इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और बाकी के कई इलाकों पर 12 इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया। हुसैन सलामी ने कहा कि 12 जहाज़ों पर निशाना बनाने के बाद जब 5वें जहाज़ को जब्त किया गया तब जाकर इसराइल ने हाथ खड़े किए, यानी ईरान के सामने उसने सरेंडर कर दिया और नौसैनिक जहाज़ का संघर्ष जो था अब तक वो ख़त्म हो गया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ नौसेना संघर्षों का भी जिक्र किया। हुसैन सलामी ने इसराइल और अमेरिका का इलाज का भी जिक्र कर दिया, खासकर जिस इलाज की ज़रूरत इसराइल और अमेरिका को हर दौर में होती रहती है, और उस इलाज का नाम है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिटिशर्स ने जिब्राल्टर में हमारे ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया, इसलिए हमने अपने टैंकर के बदले में स्टेना एम्पेरो जहाज को जब्त कर लिया, जिसके बाद दुश्मन ने बिल्कुल सरेंडर बोल दिया। उन्होंने ग्रीस में हमारे 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया, इसलिए हमने भी उनके 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया। आखिरकार उन्होंने हाथ खड़े कर लिए और हमने उनके लेटेस्ट ड्रोन को भी मार गिराया। हुसैन सलामी ने इस दौरान अपने भाषण में ये भी कहा कि हम एक बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कमांडर कासिम सुलेमानी को भी मार दिया था। यूक्रेनी फ्लाइट्स 752
विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कोरोना वायरस भी स्वयं हावी हो चुका था। वे ज़्यादातर आर्थिक प्रतिबंध हम पर लगाए जा रहे थे, वो हमें सियासी तौर पर अलग थलग करना चाहते थे। हुसैन सलामी ने अपने बयान में वेनेजुएला का भी जिक्र किया और कहा, वेनेजुएला की ओर जाने वाले हमारे दो जहाज़ों को जब्त करने की धमकी दी जनरल तांगसीरी और मैंने अमेरिकी तेल टैंकर को जब्त करने का एक ऑपरेशन तैयार किया और रेडियो पर ऐलान किया कि हम क्या कर रहे हैं। जब अमेरिकन्स को इसकी जानकारी हुई कि हम क्या कर रहे हैं तो उन्होंने हमारे जहाज़ को फिर छोड़ दिया, जाने दिया। हुसैन सलामी के बयान में सबसे ख़ास अमेरिका और इसराइल के जरिए ईरान को निशाना बनाए जाने की घटना का जिक्र किया गया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ईरान को सियासी तौर पर अलग थलग करने की कोशिशें हो रही थी। और किया जाए तो समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक हुसैन सलामी साल 2018 का जिक्र कर रहे थे अपने बयान में और ये तमाम घटनाएं उसी दौर हुई थी। हुसैन सलामी ने यह भी कहा कि जब अमेरिका ने हमारे एक जहाज़ को जब्त करने की कोशिश की तो ईरानी सेना ने इसे रोक दिया, इस घटना को ही रोक दिया और अमेरिकन को शर्मसार होना पड़ा। इसके बाद ईरान पर लगाई गई पाबंदियों में भी थोड़े बदलाव कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन के जरिए हमारे खिलाफ खोले गए तमाम रास्तों को बंद करने में बहुत ही कामयाब रहे और आज सबसे महफूज शिपिंग लेन ईरानी जहाज़ों के जरिए किया जाने वाला रास्ता है। लेकिन अगर ईरान के दावे पर गौर किया जाए तो अमेरिका के बगैर इसराइल का कोई वजूद ही नहीं है। जब चाहे तब इसराइल को कोई भी देश बहुत ही आसानी से निशाना बना सकता है, क्योंकि 12 जहाज़ों पर हमला करना और फिर उनके 5वें जहाज़ पर कब्जा करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। राजधानी तेहरान के भीतर इसराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हाने का कत्ल कर दिया और ईरान बेचारा मुंह ताकता रह गया। ईरान बार बार इसराइल पर हमले की धमकी तो दे रहा है पर हमले को कब अंजाम देगा इसका इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चुका है। ईरान ने साल 2018 में इसराइल की नस ढीली कर दी थी पर वो दौर अलग था। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तमाम तरह के फतवाहात पुराने किस्से और कहानियों से अब कम नहीं है। आज के दौर में ईरान की बहादुरी तभी साबित होगी जब वो इसराइल पर हमला करके अपनी धमकी को मुकम्मल करेगा, अंजाम देगा, जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चुका है, बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।